हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है रेलवे द्वारा। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है, जिसमें फ्रेंड्स यहां पर जो है ईसीए ई टेंडर डेट को बदल दिया गया है। अभी कुछ टाइम पहले एनटीपीसी के ई टेंडर के लिए एक ऑफिशियल कोरिजेंडम जारी किया गया था रेलवे द्वारा, जिसमें आपकी डेट बताई गई थी कब इसका ऑनलाइन सबमिशन डेट होगा। ठीक है, ये सभी काफ़ी डेट उसमें दी गई थी, लेकिन उस सभी में चेंजेस यहाँ पर कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स देखना यह है कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर जो आपकी एजेंसी है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, ई टेंडर जो है, अगर उसमें देरी हो रही है फाइनलाइजेशन में, तो जाहिर सी बात है आपकी जो परीक्षा है वो भी डिले होगी। और फ्रेंड्स ई टेंडर कोरिजेंडम नोटिस आया हुआ है, जिसमें फ्रेंड्स आपकी सभी डेट्स भी बताई गई हैं। तो हम देखेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम आपकी कब तक हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने वीडियो को लाइक कर दो। टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कलर साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप सभी को पता है रेलवे की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने आरआरबी अहमदाबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, और यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। मैक्सिमम सभी जोनों की वेबसाइट पर धीरे धीरे ये नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ही आपको एक देखने को मिलेगा ये नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ए नंबर 01/2019 कोरिजेंडम 2 ई टेंडर नंबर आरआरबी चेन्नई सी ए नंबर 01/2019 ईसीए फॉर एंगेजिंग ईसीए 20/3/2020 और बिल्कुल अभी अभी नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले फ्रेंड्स कल की डेट में जो है 19 तारीख की डेट में 03/2019 की कोरिजेंडम जारी की गई थी, जिसमें फ्रेंड्स जो डेट थी उसको बदल दिया गया है। इसकी रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एनटीपीसी की मैं बात करूँ तो 2 मार्च 2020 को एनटीपीसी की डेट को जो है यहाँ पर बताया था, लेकिन अब इसमें चेंजेस कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। और यहाँ पर जो आपकी चेंजेस की वजह से एक कोरिजेंडम निकाला गया है, तो हम इस कोरिजेंडम को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अब मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई, कोरिजेंडम नंबर 1 ई टेंडर नंबर आरआरबी चेन्नई 01/2019 ईसीए, नेम ऑफ वर्क इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग ईसीए फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विस इन कनेक्शन विद सेंट्रल आई एम्प्लॉयमेंट नोटिस सी ए नंबर 01/2019 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ऑल ओवर इंडिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर रिवाइज डेट के बारे में बताया गया है कि द रिवाइज डेट फॉर प्रीविड कॉन्फ्रेंस की डेट भी रिवाइज कर दी गई है। रिलीज ऑफ रिस्पॉन्स एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रीविड क्वायरी की डेट भी चेंजेस कर दी गई। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑफर बिड थ्रू ई टेंडर ऑनलाइन एंड टाइम एंड डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड विद बी अस एज अंडर, तो इन सभी डेटों को चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले हम वो डेट देखते हैं जो पुराने वाले ऑफिशियल नोटिस में ई टेंडर के लिए जारी किए गए थे, उसमें कौन कौन सी डेट थी, फिर देखेंगे हम कि कितनी डेटों को बदल दिया है, कितने दिन आगे कर दिया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जो अभी 2 मार्च को जारी किया गया था ईसीए एग्जाम ईसीए टेंडर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डेट को देखिएगा, तो जो डेट थी इसमें टेंडर इशू की डेट वो 2 मार्च रखी थी, लेकिन ये 2 मार्च को ही नोटिस जारी हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न क्वेरी फॉर क्लारिफिकेशन के लिए सबमिशन जो की लास्ट डेट जो थी वो 12 मार्च थी, उसके बाद प्रीविड कॉन्फ्रेंस की 24 मार्च डेट थी, उसके बाद प्रीविड क्वेरीज के लिए 7 अप्रैल थी, उसके बाद यहाँ पर जो है बिड थ्रू ई टेंडर ऑनलाइन की 16 अप्रैल डेट रखी गई थी। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसमें कितना जो है इजाफा किया गया है और कितना टाइम आगे बढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो डेट रखी गई है डेट ऑफ प्रीविड कॉन्फ्रेंस की वो 7/4/2020 रखी गई है, लेकिन जो पहले डेट थी वो यहां पर 24 मार्च डेट थी। ठीक है, 24 मार्च की जगह अब इन्होंने 7 अप्रैल कर दिया है, लेकिन यहीं पर मैं बात करूं तो लमसम 15 दिन का यहाँ पर टाइमिंग इनको 14 से 15 दिन बढ़ा दिए हैं हर डेट के साथ। अब फ्रेंड्स जो डेट है रिस्पॉन्स एंड क्लारिफिकेशन ऑन प्रीविड क्वेरीज की डेट जो रखी गई है अब वो 21 अप्रैल 2020 रखी गई है। पहले जो डेट थी इसकी वो 7 अप्रैल थी, लेकिन अब इसको 24 अप्रैल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेट जो 7 अप्रैल थी वो यहाँ थी, और ये वाली डेट यहाँ थी, और ये वाली यहाँ थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस डेट को चेंजेस कर दिया गया है। टेंडर ऑनलाइन की रिसिप्ट की बिड की जो है लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है, और यहाँ पर टेक्निकल बिड रिसीव रिस्पॉन्स फॉर टेंडर की 30 अप्रैल डेट रखी गई है। ठीक है,
और बकाया जितनी भी क्वेरी वगैरह है, कंडीशन है, वो पुरानी वाली कंडीशन है, लेकिन इसमें टाइम डेट को बढ़ा दिया गया है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें लमसम 15 दिन का समय और बढ़ा दिया है। वहीं पर हम आइसोलेटेड कैटेगरी की बात करें, इसका नोटिस जारी किया गया था कोरिजेंडम, उसमें भी 15 दिन का टाइम बढ़ा दिया है लमसम, ठीक है। तो मैक्सिमम देखा जाए तो 15-15 दिन का यहाँ पर टाइम बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैं फ्रेंड्स बात करूँ एग्जाम की, अगर ये टेंडर जारी आगे डेट बढ़ रही है तो आपकी जो एग्जाम है उसकी डेट जो है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपकी परीक्षा भी कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती। इसलिए फ्रेंड्स आपकी जो परीक्षा है एनटीपीसी की, वो उम्मीद है कि अगस्त में इसका जो अगस्त में आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम होने की संभावना है, और यहाँ पर जून या जुलाई में इसकी भी परीक्षा कंडक्ट करवा दी जाएगी, उम्मीद है एनटीपीसी की, ठीक है। वहीं पर मैं ग्रुप डी की बात करूँ तो ग्रुप डी का भी टेंडर भी जारी नहीं किया गया है। तो फिलहाल ये था अपडेट। फ्रेंड्स आपको और कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।